प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल अर्थ मोटिवेशन का। मैं एक ऐसा चैप्टर लेकर आया हूं जिस चैप्टर का नाम है अवसर। आइए हम सीखते हैं अवसर। अवसर किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? जैसे दो तीन चार पाँच का औसत याद कीजिए प्यारे बच्चों। इसमें लोग क्या कहते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला होता है कुल पदों की संख्या का योग अपान कुल पदों की संख्या। ये हमारा औसत निकालने का फॉर्मूला है। प्यारे बच्चों, दो तीन चार पाँच का औसत याद कीजिए। लिखेंगे दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच अपान संख्या गिन लेंगे एक दो तीन चार अपान चार, जोड़ेंगे तीन दो पाँच, पाँच चार नौ, नौ पाँच चौदह, चौदह बटा चार। इसको हम भाग कर देंगे, दो सत्ते चौदह, दो दूना चार, दो तिहाई छः, दो पंचे दस। प्यारे बच्चों, ये हमारा औसत निकल आया है। क्या ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा नहीं पूछेगा, आइए हम प्रश्न को और चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न 25 अंकों की एक परीक्षा में तीन छात्रों के प्रतांकों का माध्य 16 है। दो नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। पांच विद्यार्थियों के औसत अंक को 19 कम करने के लिए नए छात्र को जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे? ऑप्शन है 22, ऑप्शन 21, ऑप्शन है 20, ऑप्शन नंबर डी है 23। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम पहले बेसिक से बताते हैं। लिखेंगे दो नए, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, दो नए विद्यार्थी, दो नए विद्यार्थी, दो नए विद्यार्थी परीक्षा में भाग लिया। दो नए विद्यार्थियों कितना प्यारे बच्चे, 19 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 9 × 45 के 5 और 5 × 5 5 × 4 9। प्यारे बच्चों, 5 × 4 9 95। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, लिखा 25 अंकों की एक परीक्षा में तीन छात्रों के प्रतांक कितना प्यारे बच्चों, 16 है। यहाँ पर लिखेंगे तीन छात्रों का प्रतांक को 16 × 3 बराबर कितना जगह प्यारे बच्चे, 48। कितना जगह प्यारे बच्चों, 48। कह रहा क्वेश्चन में कम से कम कितने अंक प्राप्त होंगे, 95 से 48 घटा लेंगे प्यारे बच्चों, कितना बचेगा, 15 में से 8 गया 7, 8 में से 4 गया 47। प्यारे बच्चों कितना था, 47। टोटल कितना, 25 अंकों की एक परीक्षा में, कितना 25 अंकों की एक परीक्षा में तो 25 माइनस कर लेंगे प्यारे बच्चों, कितना बचेगा, 2 2। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। आइए हम इसको ट्रिक्स लगाते हैं। क्या हम ट्रिक देखते हैं जो एक लाइन में लगा सकते हैं। क्या करना प्यारे बच्चों, 25 अंकों की एक परीक्षा में कितना, 16 प्यारे बच्चों। आप देखेंगे यहाँ पर कितना लिखा, 19, और कितना कह रहा है, 3। कितना कह रहा है, 3। 19
उन्नीस में तीन जोड़ देंगे प्यारे बच्चे, हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर हमारा ये होगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। आइए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़का और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। लड़कों के औसत अंक 75 है और लड़कियों के औसत अंक 82 है। पूरी कक्षा के अनुमानित औसत अंक कितने हैं? प्यारे बच्चों ये RRB ग्रुप डी में जितना क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। इसको हम पहले बेसिक्स लगाते हैं। लिखेंगे प्यारे बच्चों औसत अंक, क्या लिखेंगे? औसत अंक। क्या कह रहा है कि 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़का और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। कितना प्यारे बच्चों? 4:5 है। लड़कों का अनुपात कितना है? 4। चलिए 4×75 कितना जाएगा प्यारे बच्चों? 4×75। फिर कह रहा है कि लड़कियों की 5, लड़कियों के औसत अंक कितना? 82। लड़कियों का औसत अंक कितना प्यारे बच्चों? 82। अब लिखेंगे प्लस 5×82 अपान कितने लोग हैं प्यारे बच्चों? 2 लोग हैं। 1 4 1 5, 5 4 9 कितना जगह यहाँ पर? 9। यह लिख सकते प्यारे बच्चों 4+5 75 चौके हो जाएगा 5 चौक 20, 7 चौक 28, 28 2 30 यानी 300+ 2 5 10, 8 5 40 41 अपान 9 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 710। ये कितना हो जाएगा? 710/9 कितने बार जाएगा प्यारे बच्चों? 9 7 63, 9 8 72 यानी 9 बार सात जाएंगे 9 7 63 कितना बचा? 63 71 8 80। अब कितने बार जाएगा प्यारे बच्चों? 9 से 80 काटेंगे 9 8 72 कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 72 80 8 यानी हो गया 80 यानी हो जाएगा प्यारे बच्चों 8.88। हमारा आंसर होगा 78.9। ऑप्शन नंबर सी। आइए हम यही क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। हम ऐसी ट्रिक बताएंगे जो हर चैप्टर में यूज होगा। ये तो हमारा बेसिक था। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? अनुपात लिखेंगे 4:5। कितना प्यारे बच्चों? 75। लड़का कितना है यहाँ पर? 75। और लड़कियां कितना प्यारे बच्चों? 82। कितना प्यारे बच्चों? 82। जो भी आंसर आएगा 75 से ज्यादा आएगा प्यारे बच्चों, 82 से कम आएगा प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे? देखेंगे 75 से कितना ज्यादा है 82। प्यारे बच्चों कितना ज्यादा है 82? 7। कितना ज्यादा है? 7। लेकिन यहां पर कितने हैं लड़कियां? 5। इससे हम गुणा करेंगे 7×6 35। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? यहां पर हो जाएगा 75+7×6 35 अपान कितने लोग हैं? 5 4 9/9। इसको हम भाग कर देंगे प्यारे बच्चों 9 3 27 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 9 3 27 9 3 27 अब कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 30 5 8 5 13 भाग कर लेते प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? 35
नौ त्रिक 27 आठ, नौ त्रिक 27 एक आठ दसवन बढ़ाएंगे, नौ अठे 72 टू, नौ दुनी 18 भाग करेंगे 35, नौ नौ त्रिक 27 आठ सात 15 दसवां बढ़ाएंगे 0 होगा, नौ अठे 72 नौ अठे 72 10 यानी 8 बचेगा प्यारे बच्चे, फिर दसवां बढ़ाएंगे यानी 0 होगा, नौ अठे 72 यानी कि हो जाएगा ये 3.888 प्यारे बच्चे, तो जाएगा 75 प्लस 3.8 आठ आठ हो जाएगा ये 78.9। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। आइए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, रीना द्वारा 16 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का औसत 26 है, श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त अंकों का औसत 24 है, लेकिन उसने अब तक केवल 12 परीक्षाएं दी है, रीना के सामने प्रदर्शन करने के लिए श्रेया को शेष 4 परीक्षाओं में औसत अंक कितने प्राप्त होंगे। प्यारे बच्चों हमने अभी तक बेसिक बताया, अब देखेंगे हम ऑप्शन सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों हम देखेंगे 16 से कौन सी संख्या कटेगी, जो 16 से कट जाएगा हमारा वही आंसर होगा। प्यारे बच्चों ये नहीं कटेगा ऑप्शन नंबर सी नहीं। हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उसने क्या क्या अब तक कितना दिया परीक्षाएं, 4 परीक्षाएं दिया, कितना प्यारे बच्चों 4 दिया है, यहाँ पर कितना है 16। रीना के सामने प्रदर्शन करने के लिए श्रेया को शेष 4 परीक्षाओं में औसत अंक कितना प्राप्त होगा। प्यारे बच्चों अगर हम 12 में से 4 घटा देंगे बचेगा 8। प्यारे बच्चों जो संख्या 8 से कटेगी और 16 से कटेगी हमारा आंसर वही होगा ऑप्शन नंबर सी, ये 16 से भी कट जाएगा और ये 8 से भी कट जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। आइए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न का क्या कह रहा है, 4 संख्याएं ए कामा बी कामा सी और डी इस प्रकार है कि उनका कुल औसत 39 है, ए और बी का औसत 29.5 है, सी और डी का औसत क्या होगा। प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना है औसत 39, कितने लोग हैं 4 लोग हैं। प्यारे बच्चों हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 39 × 4, ये हो जाएगा 9 × 36, 4 × 12 12 3 15 156। प्यारे बच्चों हो जाएगा कितना हो जाएगा 156। अब क्या कह रहा है, ए और बी का औसत कितना है 29.5, यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी बराबर 29.5, कितने लोग प्यारे बच्चों 2 लोग हैं, हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 29.5 × 2, हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18 19, 2 × 4 = 5 यानी 59। क्या कह रहा है, सी और डी का औसत क्या होगा। प्यारे बच्चों सी और डी का औसत क्या होगा निकाल लेंगे। प्यारे बच्चों 156 माइनस 59/2, 16 में से 9 गई
देखो जरा कि प्यारे बच्चों, 16 में से 9 गए 7, और कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 9, यानी 97/2, 156 में से 59 जाएगा प्यारे बच्चों, ये बचेगा 97/2, इसको भाग करेंगे, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 17 हुआ प्यारे बच्चों यहाँ पर। अब कितने बार जाएगा, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 5 10, 48.5 प्यारे बच्चों आंसर होगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। आइए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़के लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:3 है। लड़कों के औसत अंक 65 है, लड़कियों के 72 है, पूरी कक्षा के औसत अंक क्या है। प्यारे बच्चों ये प्रश्न कई तरीका से बना सकते हैं, लेकिन हम एक यूनिक तरीका बता रहे हैं जो 2 से 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा। आइए हम देखते हैं प्यारे बच्चों, बॉयज और गर्ल जो है कितना है, 7:3 है, कितना है, 7:3 है, और लड़का कितने प्यारे बच्चों, 65, कितना है हमारा 65। अब लड़कियां कितना है प्यारे बच्चों, 72, 65 से ज्यादा आएगा प्यारे बच्चों, 72 से कम आएगा। अब देखेंगे प्यारे बच्चों कितना ज्यादा है यहाँ पर, यहाँ पर हमारा 7 ज्यादा है, कितना प्यारे बच्चों, 7 ज्यादा है, किसमें, 3 में प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, 3 से यहाँ गुणा करा देंगे, 3 × 7 = 21, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 × 7 = 21, ये हो जाएगा हमारा 65 + 3 × 7 = 21। 21 लोगों में बांटना प्यारे बच्चों, 7 × 3 = 10 में, कितने लोगों में, 10 में। अब काट दीजिए, 10 × 20.1, प्यारे बच्चे हो जाएगा 67.1, ऑप्शन नंबर ए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। आइए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़का और लड़कियों का अनुपात 2:3 है, लड़कों का औसत अंक 70 है, पूरी कक्षा के औसत अंक कितने प्यारे बच्चों। ये सारा क्वेश्चन रेलवे RRB ग्रुप डी का है, जो पिछले वर्षों में पूछा गया है 2018 में। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था इससे पहले, लिखेंगे यहाँ पर बॉयज और गर्ल का अनुपात कितना है, 2:3 है। प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना दिया है, 70, कई क्वेश्चन में गलत है प्यारे बच्चों, देखते हैं इसको क्या कह रहा है। लड़कों का औसत अंक 2:3 है, लड़कों का औसत अंक 60 है, लड़कों का औसत अंक 60 है, और लड़कियों का, और लड़कियों के औसत अंक 70 है, लड़कियों के औसत अंक 70 है, पूरी कक्षा के औसत अंक कितने हैं, औसत अंक
कितने हैं? प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़का और लड़कियों का अनुपात 2:3 है, लड़का और लड़कों का औसत अंक 60 है और लड़कियों का औसत अंक 70 है, पूरी कक्षा के औसत अंक कितने हैं? प्यारे बच्चों अब क्या करना है, देखेंगे लड़कों का औसत अंक कितना है, 60 है, यहाँ पर लिखेंगे 60, लड़कियों कितना प्यारे बच्चों यहाँ पर है 70, कितना ज़्यादा है प्यारे बच्चों 10 ज़्यादा है, कितने में 3 में प्यारे बच्चों, तो हम 3 से गुणा करा लेंगे, 10 यहाँ 30 हो जाएगा यहाँ प्यारे बच्चों 60 प्लस 30 बटा कितने लोग हैं, 3 2 5, टोटल कितने लोग हैं 5, 5 लोगों में बांटना है 30 को, तो जाएगा 6 5 30, जोड़ लेंगे 60 प्लस 6 = 66, प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। प्यारे बच्चों हम मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो लेकर, जय हिंद।